नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिए। अब उसके बाद पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद अब 24 जून को संसद का विशेष सत्र शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। बता दें कि संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चल सकता है। संसद के विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है। ये बता दें कि 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का पहला सत्र होगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का पहला सत्र बुलाया जाएगा। इस दौरान नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 293 सीटों के जीत के साथ हासिल की थी। उसके बाद 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सांसदों सहित 72 नेताओं ने मोदी कैबिनेट 3.0 की शपथ ली थी। इसके अगले दिन ठीक 10 जून को सभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर दिया गया था। बता दें कि इसके बाद अब संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए एक सांसद का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। बता दें कि सरकार के प्रस्ताव को अगर विपक्ष सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेता है तो चुनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष भी अपनी ओर से एक उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को भी संबोधित कर सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण के जरिए केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एजेंडे को पेश करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेर सकती है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजीसी मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह संसद में छात्रों की आवाज़ बनेंगे। देखिए, अभी फिर से संसद का विशेष सत्र अब शुरू होने वाला है, जिसे लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से घेरेंगे और छात्रों की इस बार आवाज़ बनेंगे। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।